हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर टेक न्यूज़ वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए फिर से कुछ कमाल की खबरें लेके आ चुका हूँ, तो अभी से इस वीडियो को लाइक कर दें। हम बढ़ते बिना टाइम वेस्ट के वीडियो में आगे शुरुआत करेंगे गाइस पहली खबर को लेकर। GTA 6 का जो ट्रेलर है वो आ चुका है एंड हम सभी ने देखा कि उसमें जो हमें वाइस सिटी का जो है मैप देखने को मिलता है, एक फीमेल कैरेक्टर है लूसिया नाम का। एंड रॉकस्टार गेम्स ने जो ये कन्फर्म कर दिया है कि GTA 6 जो है हमें 2025 तक जो है देखने को मिल सकता है। बढ़ते हैं आगे एंड बात करेंगे इस अगले खबर की। WhatsApp ने कुछ ही दिन पहले जो है अपना सीक्रेट कोड फॉर चैट लॉक्स ये फीचर लॉन्च किया था। एंड अभी जो है WhatsApp अपने एक और नए फीचर के ऊपर वर्क कर रहा है, जहाँ पे हम जो है WhatsApp स्टेटस को जो है डायरेक्टली अपनी Instagram स्टोरी एंड Facebook स्टोरी पे जो है शेयर कर पाएंगे। Samsung Galaxy S24 सीरीज़ जो है अभी तक अनाउंस नहीं हुई है एंड यहाँ पे Samsung के S25 सीरीज़ के बारे में जो है रूमर स्टार्ट हो चुके हैं। कहा ऐसा जा रहा है कि Samsung के S25 सीरीज़ में जो है हमें ISO सेल के जो सेंसर, कैमरा सेंसर जो है देखने को नहीं मिलेंगे एंड वहाँ पे जो है वो उस सीरीज़ में जो है सोनी के जो है सेंसर यूज़ करने वाले हैं। हालांकि ये जो है पक्की खबर नहीं है एंड जब भी अगले साल, मतलब अभी तो टाइम है, अभी तो S24 सीरीज़ ही आना बाकी है, बट जब भी Samsung की S25 सीरीज़ आएगी तब क्या होता है वो आगे देखेंगे। नथिंग जो है गाइस अपना एक नया स्मार्टफोन जो है जल्द ही मार्केट में लॉन्च करेगा एंड नथिंग का जो फ़ोन 2 है इसी का जो है एक अफोर्डेबल वर्जन होने वाला है, नथिंग फ़ोन 2A। अब ये जो है कुछ दिन पहले जो है BIS के वेबसाइट पे स्पॉट हुआ था। वैसे आपके लिए एक सवाल है कि क्या आपको नथिंग के फ़ोन पसंद है एंड अगर नथिंग का फ़ोन 2A आता है तो क्या आप उसे बाय करोगे, कमेंट में ज़रूर बताना। टेक्नो स्पार्क गो 2024 इंडिया में लॉन्च हो चुका है गाइज एंड इस स्मार्टफोन में हमें 6.56 इंच का जो है HD+ IPS 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है। उसके बाद यूनिसॉक T606 प्रोसेसर है। बात करेंगे कैमरा सेटअप की तो 13 मेगापिक्सल का जो है प्राइमरी कैमरा सेंसर है बैक साइड में एंड फ्रंट में जो है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। इसके बाद 5000mAh का जो बैटरी बैकअप इस स्मार्टफोन में अवेलेबल हो जाता है। इसके अलावा डुअल स्टेरियो स्पीकर्स जो है स्मार्टफोन में। एंड बात करेंगे प्राइस की तो इसका जो बेस मॉडल है 3GB+ 64GB उसकी जो प्राइस है वो 6699 में सेट हो चुकी है एंड इसका जो अपर मॉडल है इसके बारे में, जो इसके प्राइस के बारे में अभी तक कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। Vivo की S18 सीरीज जो है चाइना में 14 दिसंबर को लॉन्च हो जाएगी एंड इस सीरीज़ के साथ जो है Vivo के TWS-3E भी देखने को मिल जाएंगे। इसका जो अपर मॉडल होगा उसमें जो है हमें MediaTek 9200+ प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। बात करेंगे इसके बेस मॉडल की तो इसमें जो है हमें Snapdragon 7 Gen 3 भी देखने को मिल सकता है। Samsung Galaxy A55 स्मार्टफोन की जो स्पेसिफिकेशन एंड रेंडर्स जो है लीक हो चुके हैं। इसके अकॉर्डिंग स्मार्टफोन के बैक साइड में हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा एंड फ्रंट में जो है पंच होल डिस्प्ले। बात करेंगे प्रोसेसर की तो इसमें जो है Exynos 1480 जो है प्रोसेसर हमें देखने को मिल सकता है एंड ये स्मार्टफोन जो है 2024 के जो है मार्च मंथ तक हमें देखने को मिल जाएगा। OnePlus का जो 12 स्मार्टफोन है गाइज वो 5 दिसंबर को, मतलब आज ही जो है चाइना में लॉन्च हो जाएगा एंड बात करें इसके ग्लोबल लॉन्च की तो वो जो है हमें 2024 में देखने को मिल सकता है। Samsung Galaxy S24 सीरीज, मतलब उसमें Samsung Galaxy S24, S24 Plus एंड S24 Ultra ये तीन स्मार्टफोन जो है उसके स्पेसिफिकेशन एंड रेंडर्स जो है लीक हो चुके हैं। इसके अकॉर्डिंग जो है Samsung का जो S24 Plus एंड S24 जो Ultra है उसमें हमें Snapdragon 8 Gen 3 देखने को मिलेगा एंड बात करेंगे उसके S24 की तो उसमें जो है Exynos 2400 जो प्रोसेसर हमें देखने को मिल सकता है। बात करें हम Samsung के S24 सीरीज़ के अदर स्पेसिफिकेशन की तो उससे रिलेटेड जो आपको एक स्पेशल वीडियो जो है मिल जाएगी। वेल, आई होप आज का जो वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। हम मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइल।